बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की 10 मार्च को अहम बैठक होगी, जिसमें बिहार के सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक पहले 8 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अब इसे 10 मार्च को किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक होगी। बताया जा रहा है कि जेडीयू की एनडीए में वापसी के बाद से समीकरण बदल गए हैं, जिसकी वजह से नए सिरे से मंथन किया जा रहा है। बिहार में इस समय नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का हिस्सा है, जो सीट बंटवारे के इंतजार में है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 2019 की तरह 17 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन राज्य इकाई इसके लिए तैयार नहीं है और सिर्फ 7 से 8 सीटें ही जेडीयू को देना चाहती है। यही वजह है कि अभी गठबंधन की सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। Z News.